चीन कहती है कि जब वो ऑफेंसिव माउंट करेंगे, चीन का प्लान है कि पहले वो एक जबरदस्त साइबर ऑफेंसिव करेंगे, और उनका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स है मिलिट्री में उसको डिसरप्ट करना, और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनका कम्युनिकेशन जो है मिलिट्री के साथ उसको डिसरप्ट करना, वो पहला फेज। दूसरा फेज वो कहते हैं कि जो सिविलियन नेटवर्क्स हैं, खास तौर पे पब्लिक यूटिलिटी, जो सिविल यूटिलिटी नेटवर्क्स हैं, उनको डिसरप्ट करना, जैसे कि आपका रेलवेज, हॉस्पिटल, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन स्टेशन, ऐसे। और थर्ड फेज में नेटवर्क्स डिसरप्ट करना, ये उनका प्लानिंग। हमारे यहाँ पे भी हम लोगों ने हार्डन किए हुए हैं, यहाँ पे भी जहां तक मेरा ख्याल है हम लोगों ने भी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी बिल्डअप की है। ऐसे चीजें के बारे में लोग बात नहीं करते हैं, बट हुई होगी बिल्डअप। बिल्कुल और सर, तो दोनों साइड से ये साइबर ऑफेंसिव हुई। इसमें जो आपने फाइनेंशियल इसकी बात की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स वगैरह भी टारगेट रहेंगे, तो ये जरूर होगा। और मेरे वो तो कहते हैं कि ओपनिंग हम उससे करेंगे। आप एक बहुत जरूरी फ्लैग एक तरीके से कर रहे हैं कि किस एरिया में सभी को, क्योंकि सभी इंडियंस को, इसमें सिर्फ सरकार का रोल नहीं है, क्योंकि हम एक नए मेस्मराइजिंग डिजिटल इकोसिस्टम में रहते हैं। लेकिन ये एक समझने के लिए जरूरी है आपसे पूछना सर मेरा, कि उनके ये जो प्लान है उसके सामने हमारी तैयारी, हमारी कैपेसिटी और हमारी वल्नरेबिलिटी पर आपका क्या असेसमेंट है? मेरे ख्याल से हम लोगों ने काफी तैयारी की है, क्योंकि काफी टाइम से ये सामने आ रहा है कि चीन की साइबर कैपेबिलिटी बहुत बढ़ रही है, और चीन जो है आजकल किसी को छोड़ती नहीं है। अमेरिका में भी वो अपना साइबर एस्पियनाज और साइबर ऑफेंसिव करती है, दूसरे जगह में भी करती है। तो मेरे ख्याल से हमारे भी थ्रेशोल्ड हमने रेज किए हैं। पर हमें एक बात जरूर मैं कहूंगा इसमें, या दो बातें कहूंगा। पहली, जब तक हम कंप्यूटर हार्डवेयर या साइबर हार्डवेयर खुद ना बनाए, तब तक हमारे वल्नरेबिलिटी रहेगी। क्योंकि अगर हम चीन से खरीदते रहें राउटर्स वगैरह, तो जो कहते हैं किल स्विच या बैक डोर अपने आप ही आ जाती है उस पर, तो एक तो बात हुई। और दूसरी ये है कि जब तक हम ये हुआवे और जेडटी को हमारे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, जो मैं कहता हूं क्रिटिकल कम्युनिकेशन सेक्टर, उसमें हम जब से शामिल किए हैं, तो वल्नरेबिलिटी तो बिल्ड इन होगी कि वो लोग आजकल जो आप भी इस्तेमाल करते हैं, मैं भी इस्तेमाल करता हूं, मोबाइल फोन, जो 60-70% जो ऑपरेशंस है, जो कंपनीज हैं जो प्रोवाइड करते हैं मोबाइल फोन, वो तो सिर्फ सामने वाले कंपनी, पर उन बैकरूम ऑपरेशन हैं या हुआवे या ZTE ऑपरेट करती है 60-70%, तो सुन सकते हैं वो, पैरालाइज कर सकते हैं नेटवर्क्स को, तो वो तो ऑलरेडी अंदर घुसे हुए। इसलिए मैं भी कहता हूं, मेरे ख्याल से काफी लोग कहते हैं कि ये 5G वगैरह में इनको शामिल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये तो एक, मैं ये नहीं समझता हूं कि उनको ट्रायल में क्यों शामिल कर दिया। ये तो साफ साफ बात है कि भाई वो फ्रेंडली नेशन है नहीं। अगर आप बिल्कुल ना कहने नहीं कहना चाहते हो तो फ्रेंडली तो नहीं है, तो फिर क्यों उनका, तो ऐसे स्टेप्स लेने की जरूरत अब आ गई है।